तुम्हारा भाई खाली आया ही है भाई, ये ड्यूक ले लो, ड्यूक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए भी। मेरी शक्ल देखी, बैरिकेड पता कैसे फेंगे, उस्ताद जी आ गए, उस्ताद जी। उसके लिए मेरे को अपनी सुपर बाइक Z1000 को सेल करना पड़े। बनाऊंगी मैं भी व्लॉग, है मैं नहीं बना पा रही। सांची आजकल पबजी भी खेलती है मेरे साथ, चला ये रही है गाइस, पर पता नहीं क्यों दग मुझे हो रहा है। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग, होप आप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइस, मुझे पता 8-9 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आगे की क्या क्या प्लानिंग है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, और आज की वीडियो में एक बैड न्यूज भी है। आज की वीडियो गाइस पूरी देखना, काफी सारी बातें करनी है आप लोगों से और काफी कुछ आप लोगों को बताना है। फिलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है बाहर और पीछे लगी अपनी माफिया वरना, और देख ही सकते हो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि बहुत टाइम से इसको धुलाया नहीं है। तो सोच रहा हूँ पहले अपनी गाड़ी को धुलाते हैं, चमकाते हैं, देन निकलते हैं यहाँ से। तुम्हारा भाई आ चुका था भाई कार वॉशिंग पे, और भाई सांची का फोन आ गया, और सांची बोल रही कि अभी आओ गाड़ी बाद में धुलाना, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी, उसको कहीं जाना होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, बिना गाड़ी धुलाई जाना पड़ेगा। तुम्हारा भाई देख सकते हो निकल चुका है भाई, सांची के पास जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने सोचा था कि भाई गाड़ी को चमकाएंगे, एकदम चमका के जाएंगे और रील वगैरह भी बना लेंगे आज, बट भाई सांची बोल रही है मेरे को जल्दी वापस आना है, क्योंकि उसको शायद कहीं जाना होगा आज। तो अभी चलते हैं, कोई बात नहीं, तो अभी फिलहाल निकलते हैं, डायरेक्ट सांची के पास चलते हैं। फाइनली सांची आ चुकी है, आजा आजा। कैसी हो तू? बढ़िया गाइस, आप कैसे हो गाइस? और बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक हूँ। तो कैसे चल रही है तुम्हारी छुट्टियाँ? बस चल रही है, निकल ही रही है। और बताओ ठीक हो? बढ़िया हूँ। आज बहुत सारी बातें करनी है मेरे को तुमसे भी और अपनी ऑडियंस से भी। पहले एक चीज बताओ, इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं डाला? कितना बोला मैंने? बताऊंगा ना क्या सीन है क्या नहीं। 8-9 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला, आज की वीडियो में प्रॉपर एक एक चीज बताऊंगा। नहीं अब तो मैं व्लॉग बनाऊंगा, कोई सीन था ना तुझे बताऊंगा ना, अभी आया हूँ ना, बताने तो दे, थोड़ा टाइम तो दे मेरे को। और तो ठीक है, दुख दर्द बांटेंगे। सो गाइस चलो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, ये देख सकते हो भाई। और मैंने सोचा था कि आज मैं जाने वाला था भाई, हमारे सिद्रा वाली साइड ना एक वो मंदिर है बालाजी का, ठीक है, सोचा था कि वहां पे जाऊंगा सांची को लेके। और ये मैडम जी बोल रहे हैं मेरे को मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी वहां पे अगर हम जाएंगे और वापस आएंगे व्लॉग वगैरह शूट करके लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और मैडम जी को वापस जल्दी आना है क्योंकि आज इनको कहीं पे जाना है। तो अब भाई तू ही बता, तू ही बात कर, तू ही बता कि कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे को इतनी सारी बातें करनी है भाई, बड़ा कुछ अपडेट देना है भाई, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाला था, तो बताऊंगा ना मैं क्या रीजन था क्या नहीं। ज्यादा दूर हम जा नहीं सकते क्योंकि घर पे मुझे काम है, घर पे काम भी लगा हुआ है और कहीं जाना भी, सामान वगैरह। इतने दिन के बाद आया तेरे पास, फिर भी काम है, कोई बात नहीं। अभी मेरा आज प्लान था तेरे को वहाँ पे लेके जाऊंगा, इतनी सही जगह वहाँ पे। बट आज देखो ना रश भी देखो कितना है, जाएंगे कहीं दूर जाएंगे पक्का, प्लान करके जाएंगे, बट आज के पास ही चलते हैं। एंड गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, लास्ट नहीं उससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि आप इस वीडियो में 10K कमेंट कर दोगे तो हम अप्रिला की बाइक जो है वो ले लेंगे। तो 10K कमेंट्स तो आपने कर दिए, अब बात यह रही है कि अभी बाइक वो हमारे जम्मू में आई नहीं है J&K में, तो सारे कह रहे हैं फेब में आएगी या मार्च में आएगी, जब भी आएगी तो उसको लेने का प्लान है मेरा, ठीक है। मार्च तक मेरे फेब मार्च तक ऑब्वियसली आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, 1.5 मिलियन तो हमारे हो ही जाएंगे, तो देखते हैं क्या पता मैं सुपर बाइक ही ले आऊं, तुम लोगों को सरप्राइज दूं, अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यार आपको पता है तुम्हारा भाई कंटेंट नहीं खींचता इस चीज के ऊपर, ये बाइक ले ली, अब बाइक लेने जा रहे हैं या बाइक की पहली पेमेंट हो जाएगी, ये वो, जिस दिन बाइक का डन हो जाएगा सीधा आपको डायरेक्ट उसी दिन तुम्हारा भाई बताएगा। गाइस घर के पास ही देख लो कितना ट्रैफिक है, तभी मैंने मानिक को बोला कि आज हम यहाँ पे कहीं आसपास चलते हैं, अगली बार प्लान करके कहीं दूर जाएंगे पक्का, प्रॉमिस, टाइम लेके आऊंगी 10-12 घंटे लेके आऊंगी। चल ले भाई चल ले। गाइस मुझे तो लगा था आप लोग ड्यूक के लिए बोलोगे कि भाई ड्यूक ले लो, ड्यूक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए भी और मानिक के लिए भी, क्योंकि वो थोड़ी डाउन थी अप्रिला से, बट आप सबका कहना है कि अप्रिला लो, कोई बात नहीं अप्रिला लेंगे वो भी अच्छी है, बट ये थोड़ी उसकी हाइट लंबी है, ऐसे मानिक के घर 4-4 बाइक थोड़ी लगी, हाँ, मेरे घर तो पे लगी ना, वो तेरे घर पे लगा के जाऊंगा मैं, है ना। हाँ फिर वो मैं चलाऊंगी, ठीक है, फिर चला चला के मैं सीखूंगी, ठीक है। क्या पता हम सुपर बाइक ले लें तो ना ड्यूक लू ना अप्रिला लू, कुछ पता नहीं है कि हम ड्यूक ले अप्रिला। आप लोग आए सपोर्ट करो जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा नाराजगी है, वो इस वजह से क्योंकि मैं व्लॉग बहुत लेट डाल रहा हूँ, एक एक हफ्ते के बाद डाल रहा हूँ, 10-10 दिन के बाद डाल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं गाइस थोड़ा टाइम दे दो, जैन से ना 1 जैन से तुम्हारा भाई काफी ज्यादा एक्टिव और रेगुलर रहेगा यूट्यूब पे। गाइस सांची ने बहुत सही किया जो मेरे को रोक दिया, क्योंकि भाई ये देखो देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि क्यों है इतना ट्रैफिक। सांची क्यों है, इनको कैसे पता चला कि आज हमारा प्लान है, हमारा प्लान खराब करने आ जाते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है इतनी देर से, क्या करें। गाइस जिंदगी में कभी इस रोड पे जाम नहीं लगा, और आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक वालों ने ये रोड बंद की हुई है। तेरे बोल से खोल देंगे, मानी खतरी का दबदबा, मानी खतरी को जाना भाई इस रोड में ना कभी ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है, आज ट्रैफिक वालों ने रोका हुआ है, पता नहीं क्यों रोका, किस रीजन से रोका है।
अब पता नहीं कब तक खुलेगा, आधा घंटा हमारा यहीं पे वेस्ट हो गया। देख रहे हो गाइस, किस्मत देख रहे हो तुम्हारे भाई की, आज ब्लॉग भी बनाना था और शादी को जल्दी वापस घर भी जाना था और आज ही ट्रैफिक लगा है, और वो भी इस जगह ट्रैफिक लगा है कि जहाँ से हम निकल ही नहीं सकते। सो गाइस ये देखो, पता नहीं भाई कब से वेट कर रहे हैं बाकी के लोग, अभी आंटी उनसे बोल रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे हैं पता नहीं क्या, उनको जाने दो, रोका क्यों है, कोई रीजन ही नहीं है इनके पास। पीछे ट्रैफिक देख रहे हो गाइस कितना ट्रैफिक है पीछे। ऐसे हमें लगभग ना 20 मिनट हो चुके हैं और भाई इतने लोग आ रहे हैं कि भाई खोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है, खोल क्यों नहीं रहे, हमें जाने नहीं दे रहे। देखो इनकी वजह से कितना ट्रैफिक लग गया हुआ है गाइस। लगता है अब मुझे अपने असली रूम में आना ही पड़ेगा। आ जाओ अपने रूम में। कौन सा असली रूम? आ जाओ बोल तू। तो अभी ना हम पीछे जा सकते हैं, वापस ना मुड़ सकते हैं, वेट करेंगे कब खुलेगा, जाके फिर हम व्लॉग बनाएंगे, नहीं तो यहीं पे बैठे बैठे हमें व्लॉग शूट करना पड़ेगा पूरा, पता नहीं कब खुलेगा। बस 5 मिनट और वेट करेंगे गाइस, अगर नहीं खुला ना फिर 10 मिनट वेट करेंगे तब भी नहीं खुला, फिर वेट करना ही पड़ेगा। तो फटाफट वेट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से जल्दी जल्दी निकलेंगे अपने फ्लाईओवर में। भाई बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो गाइस फाइनली रास्ता खुल चुका है, मानीगत्री का दबदबा बहुत है यार, मानीगत्री ने खुलवा दिया। तुम्हारा भाई खाली आया ही है, तुम्हारा भाई खाली आया ही है और डर के मारे भाई मैं पहले ही आ जाता, अगर मुझे पता होता मेरे से इतना डरते हैं तो मैं पहले ही खम हो गाइस। अभी तुम्हारा भाई जा रहा है यहाँ डायरेक्ट फ्लाईओवर में खाली शक्ल देखी उन्होंने मेरी शक्ल देखी और बैरिकेड पता कैसे फेंके कि उस्ताद जी आ गए उस्ताद जी। तो गाइस चलो अभी फटाफट चलते हैं फ्लाईओवर पे। फाइनली आ चुके हैं फ्लाईओवर में और यहाँ से उतर के आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो गाइस गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे इतनी तेज और इतनी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जस्ट अभी ट्रैफिक खुला है। हम आ चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे और ये रही भाई सांची, और आज जो धूप निकली है बहुत ही मजेदार धूप निकली है, यहाँ से देख रहे हो यहाँ से पूरा जम्मू दिखता है। भाई क्या चाहते हो तुम, अप्रीला लेनी चाहिए, ड्यूक लेनी चाहिए या सुपर बाइक? अभी सोचेंगे। तो गाइस देखो यार, पहली बात तो है अप्रैला आने वाली है, फेब या मार्च में आएगी जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है हमारे जे एंड के में। तो अगर तब तक मेरे 1.5 मिलियन हो गए तो फिर हम क्या करेंगे भाई? ले लेंगे अगर तब तक प्लान कुछ और बन गया तो। फिर कि अगर फेब में या मार्च में अप्रैला की बाइक आएगी और तब तक मेरे 1.5 मिलियन हो गए तो हम तो तब सुपर बाइक ले लेंगे, तो शायद अप्रैला ना ले, बट अभी देखेंगे यार, टाइम टू टाइम बता दूंगा मैं आपको कि क्या प्लान है क्या नहीं। तो अभी यहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बातचीत करते हैं, चलें बैठे गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बातचीत करते हैं बाहर, भाई बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही है, बहुत शोर है। सो गाइस प्लान से पहले आप लोगों को बताता हूँ एक आज के लिए बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि यार देखो आपको मैं बताता हूँ सीरियसली, तुम्हारा भाई ना सेविंग वगैरह नहीं करता, ठीक है जो भी अर्निंग वगैरह होती है, जो भी मैं तुम्हारा भाई पैसे जोड़ता है ना उससे मैं बाइक वगैरह लेता हूँ या गाड़ी ले लेता हूँ। मतलब अभी तक मैंने भाई पैसे ना सिर्फ मतलब गाड़ियों पे लगाए हैं, समझ रहे हो, मैंने बाइक ले लिया, 3 बाइकें घर पे खड़ी हैं, गाड़ी भी ले लिया। तो भाई अब मेरी मम्मा बोल रहे थे कि भाई तू अपने लिए ना ऊपर अपने लिए अलग से फ्लोर बना ले, ठीक है क्योंकि तेरे को जरूरत है, नीचे वाला जो फ्लोर है वो छोटा ही है, ठीक है क्योंकि आपको पता है बाइकें वगैरह लगी हैं तो उसकी जगह वो भी जगह ज्यादा कवर करते हैं। तो भाई मम्मा ने कल मेरे को बोला कि तू अपने लिए ऊपर अलग से बना ले, ठीक है अपने हिसाब से अपना स्टूडियो भी बना लेना और जो तेको चाहिए वैसा बना ले, तूने सारे पैसे गाड़ियों में लगा दिए हैं, सेविंग बिल्कुल भी नहीं करी है। इस चीज पे काफी ज्यादा बात हुई है मेरी मम्मा से, ठीक है। तो अब देखो यार तुम्हारा भाई ना सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा भाई सेविंग वगैरह नहीं रखता, ठीक है जो भी अर्निंग होती है तुम्हारा भाई या तो इन्वेस्ट कर देता है, उड़ा देता है या गाड़ी वगैरह लेता है या कुछ चीज ले लेता है, ठीक है। ऊपर का जो फ्लोर है उसका काम भी लगवाना है, तो भाई उसके लिए मेरे को हो सकता है क्योंकि आपको पता है यार देखो यार घर बनाने में ना काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है हो सकता है उसके लिए मेरे को अपनी सुपर बाइक G1000 को सेल करना पड़े क्योंकि उससे भी जो पैसे आएंगे और थोड़े बहुत जो मैं सेव कर लूंगा वो भाई लगाने के बाद ही ऊपर वाला फ्लोर बन पाएगा मेरा जो मैं चाहता हूँ। तो अभी देखते हैं, बट इतना है कि भाई मैं अपनी G1000 जल्दी ही भेज दूंगा क्योंकि आपको पता है यार घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो ना ही मैंने सेविंग करी है इतनी। तो एक ये न्यूज़ आप लोगों को देनी थी, ठीक है। जैसे आपने बोला था कि आपको गेमिंग का खोलना है, हाँ। अगर गेमिंग चैनल इनके फ्यूचर में आपने खोला तो उसके लिए अलग स्टूडियो चाहिए है ना, अलग जगह चाहिए। तो कोई और अगर इंटरेस्टेड है बाइक लेने में, ठीक है तो भाई जिन लोगों को घर पता होगा आ जाना घर पे, अगर बाइक लेनी होगी G1000 5-6 दिन के बाद कोई भी बंदा मेरे पास आएगा मैं बाइक सेल कर दूंगा G1000, ठीक है। तो क्योंकि यार घर मेरे को ऐसा लगता है कि घर ज़्यादा ज़रूरी है, घर पे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, घर बनाना चाहिए, उसके बाद ये तो काम है भाई, ये तो चक्कर नहीं करना है, ठीक है। तो बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह हम फिर ले लेंगे, बट सिर्फ G1000 में बेच रहा हूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं बेचूंगा। बाकी अपने पास ड्यूक है, अपनी फेवरेट J&K की एक ही इकलौती ड्यूक है जिसको डबल डिस्क ब्रेक है, तुम्हारे बाइक की है, बस ये खुशी होती है, ठीक है। पल्सर भी है, ड्यूक भी है, अपनी माफिया वरना भी है। तो देखेंगे इन फ्यूचर कोई और सुपर बाइक भी ज़रूर लेंगे।
मैं ब्लॉग में डाल दूंगा। मैं अभी इसको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और ये देखो भाई इसकी हरकतें देखो। सो गाइज बाकी गाइज और भी काफी सारी चीजें हैं ठीक है, तो मैं आपको वो टाइम टाइम बताऊंगा ठीक है क्या करना क्या नहीं। जो मेरा एम है वो इस टाइम यही है कि भाई मेरे को ना अब यूट्यूब पे एक्टिव होना पड़ेगा, मेरे ब्लॉग बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं, सो सॉरी गाइज उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं बोल भी नहीं सकता यूट्यूब में ठीक है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। बट अब मेरे को लगता है यूट्यूब पे फोकस करना पड़ेगा ठीक है। जैसे ही नया साल आ रहा है, नए साल में तुम्हारा भाई एक्टिव हो जाएगा ठीक है, जितने ज्यादा ब्लॉग हो पाएंगे, हो सकता है मैं डेली ब्लॉग चैलेंज भी करूं अपने आप को 30 डे 30 ब्लॉग, तो वैसा लग तो मेरे को इम्पॉसिबल ही रहा है, बट एक दिन छोड़ के एक दिन तो ब्लॉग जरूर बनाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। तुम्हारा भाई अब एक्टिव रहेगा यूट्यूब पे। आप कब एक्टिव हो रहे हो यूट्यूब पे? यार देखो मैं आपके साथ होती हूँ ठीक है। हाँ? बनाऊंगी मैं भी ब्लॉग है, मैं नहीं बना पा रही। मैं क्यों गाइस इसके चैनल पे आप वीडियो देखोगे ना, वो 2 महीने पहले की वीडियो है, 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। ये ब्लॉग ही डालती है, क्यों बोलूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता आपके सामने। अब नेक्स्ट ब्लॉग तेरा आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग तेरा आएगा, ओके नेक्स्ट ब्लॉग पक्का मेरा आएगा, अच्छा सा आएगा, बढ़िया सा आएगा, मजा आ जाएगा। आपको पता है सांची आजकल पबजी भी खेलती है मेरे साथ ठीक है, तो सांची को भी मैं गेम वगैरह सिखा रहा हूँ ठीक है। वो अलग बात है, मार में ही हारी होती हूँ, बचाने आप आ रहे हो तो मेरे साथ मर जाते हो। यार गेम जीतने में मजा नहीं आता, गेम में मजा आना चाहिए ठीक है। तो गाइस देख रहे हो अभी सांची भी ट्रेन हो जाएगी, मैं भी ट्रेन हो जाऊंगा, फिर भाई उसके बाद लाइव स्ट्रीम करेंगे, गेमिंग वगैरह करेंगे और आप लोगों के साथ खेलेंगे, मजा आएगा ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी सांची को फोन आ रहा है, मेरे को वाइब्रेशन सुनाई देगी यहां पे, तो अभी चलते हैं, सांची को भी घर ड्रॉप करना पड़ेगा। सांची को थोड़ी सी गाड़ी लेते हैं ना। सांची को गाड़ी, तूने गाड़ी चलानी है? थोड़ी सी कितनी? आधा किलो, आधा किलोमीटर। अरे यार यहां पे चलाएगी, हाईवे है ये, थोड़ा आगे जाके दे दो ना, यहाँ से तो बहुत तेज जा रही है गाड़ियाँ। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है भाई इस साइड, और सांची बैठी हुई है भाई आगे ड्राइविंग सीट पे। सुन ले मेरी बात, जैसे बोलूंगा वैसे चलानी है, और बात मेरी सुन लेना, जब बोलूं ब्रेक तो ब्रेक, रेस नहीं देनी है। हाँ बस आराम आराम से, पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही, बस इस साइड रख, मेरी साइड रख थोड़ा, हाँ इस साइड रख, रेस दे तेरी, रेस दे, वेरी नाइस। अब क्लच दबा, रेस छोड़ दे, क्लच दबा, पूरा पूरा क्लच दबा दे, चल छोड़ दे क्लच, अब रेस दे, चला लेती है आजकल सांची गाड़ी, चलने दे चलने दे, चल खुद चलेगी, चला ये रही है गाइस, पर पता नहीं क्यों दग दग मुझे हो रहा है, दग दग मुझे भी होता है। मेरे को हेलमेट लानी चाहिए थी गाइस मैंने हेलमेट क्यों नहीं लाई, कोई बात, दग दग मुझे भी होता है, पर ये चीज है कि सीखनी तो पड़ेगी एक ना एक दिन। नाइस, कोई बात नहीं गाइस, देख रहे हो चला रही है इतनी सांची, अभी तक सांची नहीं चलाई है, सही चला रही है। अब थर्ड गियर में शिफ्ट करते हैं, क्लच दबा, क्लच दबा दे, पूरा दबा दे क्लच, छोड़ दे क्लच, छोड़ दे, वेरी नाइस, देख रहे हो गाइस, वेरी नाइस। यार ये आपने गाड़ी कब सीखी? आप ही सिखा रहे हो, मैं अभी अभी इस साइड थोड़ा हल्का हल्का, बस रेस मत दे, रेस बिल्कुल कम दे। गाइस फाइनली जिंदगी में सबसे ज्यादा गाड़ी सांची ने आज चलाई है ना, इतनी ज्यादा कभी चलाई है, डर निकाला आज अपने अंदर से कि मैं चला सकती, बढ़िया गाड़ी चलाई है, गियर का भी चक्कर नहीं है, बढ़िया गाड़ी चलाई है, बस देखो थोड़ा मोड़ का सीखना है, बट आज तूने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, मुबारक है आपको, बड़ी बड़ी गियर भी सीख लूंगी देंगे बहुत जल्दी, बट आज तुमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, तो आज तुमने को खुश किया। सो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है, यहाँ से अभी वापस मुड़ेंगे, तो अभी सांची को जाऊंगा घर छोड़ने के लिए, निकले यहाँ से। सो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आया आज गाड़ी चलाने में, पहली बार इतनी ज्यादा मैंने गाड़ी चलाई है, वो भी खुद अच्छी चलाई है। अभी फटाफट चलते हैं मेरे को मॉर्निंग में घर छोड़ने, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ इस टाइम पे। ऐसी ये गाड़ी चलाते रहना सिर्फ 15 दिन तू ट्रेन हो जाए, तू ड्रिफ्ट मारे फिर गाड़ी पे, सच में बोल रहा हूँ। चुके हैं सांची के घर पे, ओके भाई आज आपके पास टाइम कम था, बट जितना भी आपने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। नेक्स्ट व्लॉग कहीं अच्छी जगह जाके बनाएंगे, पक्का प्लानिंग करके बनाएंगे, ठीक है चलो ओके बाय बाय, बाय कर दो गाइस, बाय कर दो गाइस को, बाय कर दो, बाय बाय जाओ, तो आप लोगों से मिलता हूँ अब घर पे जाके, बाय 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 बाय। फाइनली तुम्हारा भाई घर आ चुका है, एंड गाइस करते हैं आज के ब्लॉग को यही एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो जो मैंने आपको बातें बोली वो भी आप लोगों को समझ आई हो, तो करते हैं इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड, नेक्स्ट ब्लॉग जो भी होगा वो और ज्यादा मजेदार होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में हम कहीं दूर जाएंगे, तो चलो गाइस करते हैं आज के वीडियो को यही एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।